बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट हेयर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपके लिए लेकर आई हूँ मैं मेसी बन। साथ आप देखेंगे कि जो आपकी फ्लफ़ी लुक्स होती है, लाइक अगर आपने अपने बालों को थोड़ा सा वॉल्यूमनाइज करना है तो आप उसको किस तरह से स्ट्रेटनर से कर्ल करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए ना एक बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने लगी हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इजी और एवरीडे हेयर स्टाइल्स। ठीक है, आप इनको बहुत ही इजीली बना सकते हैं, लाइक हार्डली आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे एक हेयर स्टाइल बनाने में। ठीक है, तो कैसे बनाने हैं ये चल के देखते हैं। स्ट्रेटनर की मदद से आपने थोड़ा सा बाउंस देना है ताकि यहाँ से आपके बाल थोड़े से फ्लफी लगेंगे। ये जो बालों के एंड्स है ना, इसको आपने इस तरह से स्लाइटली सा कर्ल करना है। ठीक है, जो आपके बालों के एजेस होंगे वो इस तरह से कर्ल्स होने चाहिए। आपने स्ट्रेटनर की मदद से इनको बिल्कुल स्लाइट सा कर्ल करना है, बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं करना। ठीक है, ये देख लें, आपको इसकी क्लोजर लुक दिखा देती हूँ। तो फाइनल आपकी जो लुक्स है ना वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है उनको भी आपने इस तरह से कर्ल कर लेना है। जो सेंट्रल सेक्शन वाले बाल हैं इनको आपने इस तरह से फ्लिप बना के बैक साइड पे लेके जाना है और इसको आपने बॉबी पिंस के साथ सिक्योर कर देना है एट द बैक ऑफ योर हेड। जो सेंट्रल सेक्शन आपने बैक साइड पे पिन अप किया है ना, उसके जो लोअर एजेस हैं उनको भी आपने इस तरह से कर्ल करके इस सेक्शन के साथ मिक्स कर लेना है। हेयर स्टाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत पतले हैं और वो चाहते हैं कि जब वो किसी फंक्शन में जाएं तो उनके बाल थोड़े फ्लफी लगें, थोड़ा उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा लगे। तो ये है उन लोगों के लिए, हम बना रहे हैं ये कर्ल्स विद द स्ट्रेटनर। अच्छा, पता है बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि स्ट्रेटनर से बाल कैसे कर्ल्स होते हैं, तो इस तरह से ये स्ट्रेटनर से आप इस तरह से अपने बालों को कर्ल कर लेंगे। तो ये जो कर्ल्स हैं ना, ये रहेंगे तकरीबन 7 to 8 hours विदाउट एनी काइंड ऑफ हेयर स्प्रे। ये देख लें। तो इन्हीं बालों के साथ अब हम मूव करेंगे हेयर स्टाइल नंबर 3 की तरफ। इन्हीं को आपने बैक साइड पे लेके जाके हाई एंड में पोनी टेल कर लेनी है, स्लाइट सी चेंजिंग करेंगे एंड वी आर डन विद द थर्ड हेयर स्टाइल।
इन्हीं बालों को कैरी करेंगे हम हेयर स्टाइल नंबर 4 के लिए। और ये जो बाल आप ऑलरेडी बना चुके हैं, इससे हम बनाने वाले हैं मेसी हेयर बन। ठीक है, आपने ले लेना है ये डोनट, ठीक है, और इस तरह से आपने इसको अपने बालों के साथ फिक्स करके इसी वीडियो को फॉलो करते हुए परफेक्ट सब बन बना लेना है। पिंस के साथ बन को स्क्योर करेंगे और जो आपके बैंग्स हैं उनको हम ले जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि कितना आसान था, थोड़े से बाल इधर करो, थोड़े से बाल इधर करो, अच्छा से हेयर स्टाइल बन जाता है। ठीक है, तो अब आपने कहीं पे भी जाना हो, पार्टी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, तो आप इस तरह के बाल बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट पसंद है तो वो पिक कर लीजिए, अगर आपको थोड़े मेसी पसंद है वो पिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने जाने वालों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।